नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं NPE के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, जो अभी हाल ही में 31 मई में आई है। और ये बहुत ज़्यादा इसकी जो मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, कि टीचर्स की भर्ती जो है वो आगे चलकर किस तरह से होगी, तो उसके लिए मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन लेट इसलिए हुई है क्योंकि मैं PDF का वेट कर रही थी, PDF मुझे मिल नहीं पा रही थी, और स्क्रीनशॉट के बेसिस पर मैं कोई वीडियो लाना नहीं चाहती थी जब तक कि कोई ऑफिशियल PDF ना मिल जाए। तो ऑफिशियल PDF मुझे बड़े मुश्किल से मिली है, जिसमें कि ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको मिल सके, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो में लेट हो गया है, लेकिन ये वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिलेगी, बिल्कुल क्लियर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इसमें फेक नहीं होगी। जो वायरल हो रही हैं उनमें या तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, या फिर कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा अपने पास से जोड़ दिया गया है, कहानी बना दी गई है, जिस कारण क्या है, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है सब जगह। तो इसी बात को आज सब उसमें क्लियर करेंगे, आज की इस वीडियो में सभी बातों को, सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम मेनली जो शिक्षक की नियुक्ति है उसी पर बात करेंगे। आगे मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं पूरी की पूरी PDF जो भी शिक्षा नीति में जितने भी पॉइंट के हैं सभी का एक कॉन्क्लूजन करके एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आज की वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो पॉइंट कहा है, प्रभावी शिक्षक नियुक्ति और पदासीन, ये पांचवा पैराग्राफ इसमें लिया गया है पूरे PDF में, जिसमें कि पहला पॉइंट ये है कि उत्कृष्ट विद्यार्थियों को शिक्षण पेशे में प्रवेश करने के प्रोत्साहित करने के लिए मेरिट आधारित छात्रवृत्ति, यानी कि बच्चे आगे चलकर इस पेशे में, इस प्रोफेशन में, टीचर्स के प्रोफेशन में प्रवेश ले, एडमिशन ले और टीचर्स बनने की ओर बढ़े आगे, उसके लिए उनको मोटिवेट करना है। उसके लिए क्या किया उन्होंने, छात्रवृत्ति देने की बात की, कि जो भी बच्चा 12th के बाद टीचर्स बनने के लिए जो कोर्स है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जो इन्होंने लागू किया है, तो उसमें एडमिशन ले, उसके लिए उन्होंने छात्रवृत्ति देने के लिए कहा है कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी एक अच्छी संख्या में 12th के बाद, जो भी टीचर्स प्रोग्राम में, जो 4 साल का प्रोग्राम है उसमें जाने की सोचेगा। तो ये इसलिए किया गया है ताकि बच्चे टीचर्स के प्रोफेशन की ओर आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो और उसके टीचर्स बनने के लिए मोटिवेट हो सके। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो भी टीचर्स बनेंगे आगे उनको एक अच्छी संख्या में छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी में कहा गया है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, जो क्षेत्र विलेजेस हो गए या फिर कोई आदिवासी क्षेत्र हो गए, कोई लोकल एरियाज हो गए, उनके लिए जहाँ पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षकों की निपुणता कम है, लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में अगर शिक्षक नहीं है, वहाँ के लिए जो छात्र हैं उनके लिए विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा। जो छात्रवृत्ति होगी वो मेरिट के आधार पर होगी, जो भी बच्चों की मेरिट होगी, जो 12th में, 10th में, हाई स्कूल में जो उनके मार्क्स होंगे उनके बेसिस पर ही छात्रवृत्ति दी जाएगी, और स्थानीय भाषाओं के शिक्षकों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट इन्होंने कहा कि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया, ये जो पैराग्राफ है सबसे ज़्यादा वायरल है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा इन्होंने कि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा टफ किया जाएगा और पारदर्शी बनाया जाएगा। उसके लिए इन्होंने कहा कि नियुक्ति की सबसे पहली स्क्रीनिंग जो कहा इन्होंने टेट कहा, जो आजकल हम देते हैं, CTET हो गया, STET हो गया, जितने भी टेट्स हैं उन, वो हो गया सबसे पहली स्क्रीनिंग जो हम आज भी दे रहे हैं। ठीक है, जो वर्तमान में मौजूद टेट है, इन्होंने कहा कि जो अब टेट हो रहे हैं फिलहाल में उनको थोड़ा सा हार्ड किया जाएगा, टफ किया जाएगा। अब इसके लिए मैसेजेस वायरल हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग की, ऐसा अभी तक इन्होंने नहीं कहा है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, या लेवल बढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस का, या किस तरह से इन्होंने टफ करने की बात की है। तो ये आगे आगे क्लियर हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन इस बात को अभी तक इसमें क्लियर नहीं किया गया है। तो ये सिर्फ अपनी तरफ से बात की गई है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उसको टफ किया जाएगा थोड़ा सा, जो टेट के एग्जाम है, और साथ ही साथ जो टेट है उसको विस्तृत किया जाएगा हर स्तर पर, यानी कि बुनियादी स्तर से लेकर
और माध्यमिक स्तर तक सभी में टेट को लागू किया जाएगा। अब तक क्या होते थे, सिर्फ दो टेट होते थे, एक तो प्राइमरी लेवल का 1 to 5 और दूसरा होता था जूनियर लेवल का 5 to 8। अब इन्होंने कहा माध्यमिक स्तर पर भी और बुनियादी स्तर पर भी टेट को लागू किया जाएगा, यानी कि 12th तक आप टेट देकर 12th तक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए भी टेट को थोड़ा टफ किया जाएगा। अब इसके बाद कहा है कि ये तो सबसे पहले स्क्रीनिंग हो गई कि टेट जो आप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा टफ किया जाएगा, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई विरोध का रीज़न हो। अगर टेट थोड़ा सा टफ हो रहा है तो इसमें कोई विरोध का रीज़न नहीं है विरोध करने का, ठीक है। जो टेस्ट दे चुके हैं उनके लिए तो टफ नहीं हो रहा ना, जो पहले क्लियर कर चुके हैं। आगे इन्होंने दूसरे नंबर पर कहा है कि विषय शिक्षक कि भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त NTA परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। अभी जो NTA परीक्षा थी उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि विषय शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर आप 8th से आगे 10th 12th के लिए, उसी के लिए तो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। किसी को मैथ्स पढ़ाना है, या किसी को साइंस पढ़ाना है, या किसी को हिंदी पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, तो वो आप बड़ी क्लासों में तो पढ़ाएंगे, प्राइमरी क्लासेस में तो आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने होंगे, तो उसमें तो आपको NTA एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो NTA का एग्ज़ाम है ये सिर्फ उन टीचर्स के लिए है, उन शिक्षक के लिए है जो किसी विशेष उसको सब्जेक्ट को, किसी विशेष विषय को, एक स्पेशल पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर NTA एग्ज़ाम जो DLED BTC वाले हैं उनके लिए तो नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि बड़ी क्लासों में पढ़ाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। आगे इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों के लिए टेट जरूरी होगा, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसके लिए टेट क्लियर करना जरूरी होगा, और वो टेट चाहे आप राज्य का क्लियर करें, किसी स्टेट का क्लियर करें, या फिर सेंटर का क्लियर करें, यानी कि चाहे तो वो CTET हो चाहे STET हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ना एक टेट क्लियर होना चाहिए। आगे क्या कहा, अब बात आती है इंटरव्यू की। सबसे पहला जो स्टेप हो गया वो हो गया आपका टेट जो आज भी चल रहा है। अगर कोई टीचर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए NTA एग्ज़ाम दे दिया। NTA एग्ज़ाम सिर्फ उन टीचर्स के लिए जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना चाह रहे हैं, बाकी जो प्राइमरी वगैरह के लिए उनके लिए सिर्फ टेट है ही जो नॉर्मल चल रहा है, उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा सकता है बस। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पे कहा गया है इंटरव्यू, कि एक इंटरव्यू लिया जाएगा, डेमो कम इंटरव्यू, यानी जिसमें थोड़ा सा डेमो भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। उसमें आपको 5 से 7 मिनट पढ़ाकर दिखाना होगा कि आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, या फिर आपके किसी रीजनल लैंग्वेज में कितनी अच्छी पकड़ है। इसको करने का इनका उद्देश्य है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर हम कोई रिटर्न एग्जाम कराएं, लिखित परीक्षा कराएं, उससे जो टीचर है उसके स्थानीय भाषा पर कितनी पकड़ है, रीजनल लैंग्वेज उसे कितनी अच्छी से आती है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी रिटर्न एग्ज़ाम के से, तो उसके लिए इन्होंने इंटरव्यू रखा है, ताकि जो टीचर्स हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है उसका पता लगाया जा सकता है। वो पढ़ाते समय कितनी रीजनल लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अब मान लीजिए सभी टीचर्स की लैंग्वेज बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, आप अभी भी देखते हैं कि कुछ टीचर्स की लैंग्वेज थोड़ी सी खड़ी होती है, क्यों, क्योंकि जहाँ सर वो आ रहे हैं, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उसका वो इफ़ेक्ट होता है। तो ये रीजनल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज उसको टीचर्स को आनी चाहिए। ये जो इंटरव्यू है, इन्होंने कहा कि जो दूसरे चरण की स्क्रीनिंग है यानी कि इंटरव्यू है, इसको BRC द्वारा कराया जाएगा, और अगर ये संभव नहीं हो पाया तो फिर किसी टेलीफोन के माध्यम से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका साक्षात्कार किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के सिर्फ आपके 2 ही स्टेप्स हैं, सिर्फ ये एक तरह से वायरल मैसेजेस में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एकदम से कह दिया गया है, और बच्चों को भी एकदम से ये लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या आ गया है इसमें। ये सिर्फ यही है, जो टेट एग्ज़ाम है उसको थोड़ा सा टफ किया जाएगा। एक तो मेन पॉइंट बात ये है, NTA एग्ज़ाम सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन शिक्षकों के लिए है, उन टीचर्स के लिए है जो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं बड़ी क्लासेस में, ठीक है। और साथ ही साथ जो थर्ड है, इंटरव्यू, आप कह सकते हैं एक नई चीज़ आई है आपके लिए, इंटरव्यू जिसमें आपको 5 से 7 मिनट पढ़ाकर दिखाना होगा, तो वो चीज़ एक नई है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार होने के चांसेस हैं। आप कुछ पॉइंट्स से सहमत हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स से नहीं हो सकते, ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ये जो है ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है,
ये सिर्फ एक सुझाव मात्र है। आपने कंटेम्प्रेरी के पेपर में पढ़े हैं, इतनी सारी समितियाँ आई हैं, सबके अपने अपने सुझाव आए हैं। अब उसमें से सभी सुझाव को तो नहीं रखे गए ना, कुछ ही सुझाव को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये भी एक सिर्फ सुझाव मात्र है। जो कोई पॉइंट इसमें बदलाव होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि बदलाव हो सकते हैं अगर कोई पॉइंट से संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप, हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट अच्छा लगे, कोई पॉइंट आपको अच्छा ना लगे, किसी पॉइंट से आप संतुष्ट हो, किसी से ना हो, तो ये आपके एक पर्सनल विचारधारा है, आपके एक थॉट्स हैं, तो आप उसको कह सकते हैं। आप उसको मैं ईमेल आईडी वगैरह के जरिए, जो कि चल रहे हैं आजकल, लेकिन ये सिर्फ एक ड्राफ्ट पे मात्र है, एक सुझाव मात्र है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लागू होने की प्रक्रिया में है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि टीचर्स स्कूल के पास जो टीचर्स क्वार्टर बनाए जाएं, वो इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि टीचर्स पढ़ाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पढ़ाने के लिए यहाँ भरे, क्योंकि नॉर्मली कोई भरता नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए, क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम होती है टीचर्स को। तो उनके लिए किया गया है कि जो अगर किसी इलाके में, दूर के इलाके में या किसी गांव में, आदिवासी इलाके में अगर किसी की जॉब लगती है, तो वहां पर जितने भी स्कूल्स हैं उनके पास टीचर क्वार्टर बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो टीचर्स हैं वो वहां पर भी पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट ले और उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। तो वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। एक पॉइंट ये है कि पैरा टीचर्स की प्रैक्टिस को ख़त्म करना। 2022 तक इन्होंने कहा कि 2022 तक देश में जितने भी पैरा टीचर्स हैं, यानी कि जो शिक्षा मित्र होते हैं या जो शिक्षा कर्मी हैं, वो उन व्यवस्था को सबको बंद कर दिया जाएगा पूर्ण तरह से। 2022 तक ये जो शिक्षक मित्र हैं, शिक्षक कर्मी हैं, ये जो व्यवस्था बनी हुई है पैरा टीचर्स की, इसको बिल्कुल बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इनका तर्क है कि यह इस वजह से किया जाएगा कि शिक्षक पूरी तरीके से अपने काम के प्रति समर्पित हो और समुदाय के साथ लंबे समय तक गहरे संबंध बनाए। यानी कि ये इनका मानना यह है कि जो पैरा टीचर्स होते हैं वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं, टीचर्स अपना 100% दे, इसलिए जो पैरा टीचर्स की जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जो वो है नॉर्मल जो प्रोसेस है उसके द्वारा सिलेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स जो वायरल हो रहे हैं उनकी आपके सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है पीडीएफ के जरिए। ये पूरा पीडीएफ कुछ कुल 500 के आसपास पेज का है, जो कि मैंने आते ही टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। आप लोग जो भी पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो आने वाली है पर्टिकुलर, जिसमें आपको पूरी की पूरी जो भी ये शिक्षा नीति है पूरी की पूरी का एक कॉन्क्लूजन, एक सार जिसमें आपको बताया जाएगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो दोस्त सभी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है और साथ ही साथ बीएड, सीटेट और टेट से रिलेटेड तैयारी भी कराई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।